नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जो कि आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न आगे चलकर दे सकते हैं, तो वैसे ही 15 स्टॉक्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कि आगे चलकर के आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। और इसके इंडिविजुअल वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, तो इंडिविजुअल वीडियो में हम इनके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो इसमें हम सिर्फ 15 स्टॉक्स के जानेंगे और उनके आपको चार्ट दिखाएंगे जो चार्ट पर कितना बेहतरीन स्टॉक्स है, ये आपको जो आगे चल करके बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले नंबर पे है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस। दोस्तों, अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है, उसके बावजूद SBI कार्ड ने, देखे होंगे आप, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पेश किया। तो ये फ्यूचर का एक मल्टी बैगर स्टॉक्स है, जिस तरह से आपको 500 पे मिला, 500 से आप देख लीजिए ये 800 तक का रैली दिखाया, 300 रुपये तक का रैली दिखाया, तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है। तो जब भी आपको गिरावट पर मिले, जैसे आपको 600 के आसपास मिले, तो ज़रूर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल करके जो SBI कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड है इसका यूज काफी ज्यादा बढ़ने वाला, जैसे जैसे हम मॉडर्न होंगे, जैसे जैसे हमारी अगली पीढ़ी मॉडर्न होगी, उतना ही अधिक वो जो क्रेडिट कार्ड का यूज करेगा। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है जो आगे चल करके आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। दूसरा है हमारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों, जो इंश्योरेंस है, जब से कोरोना वायरस आया है तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसकी इंपॉर्टेंस सबको समझ में आने लगी है। तो जो HDFC ग्रुप है, इस सेक्टर की, अपने मतलब सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और ये जो है निफ्टी 50 का भी पार्ट बन चुका है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन ये स्टॉक से, मात्र 344 रुपये का था 2017 में ये लिस्ट हुआ, वहाँ से अभी तक में ये देख सकते हैं 77% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है ये भी, तो जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन, मतलब अभी जो आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, मात्र इंडिया के पॉपुलेशन का 5% लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में काफ़ी मतलब वॉल्यूम है इस बिजनेस के ग्रोथ का। तो आगे चल करके ये बिजनेस काफ़ी अच्छा करने वाला है, तो आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जैसे तैसे स्टॉक में जो होते हैं लोग फंस जाते हैं, जिसके बिजनेस को आप नहीं जानते हैं, बिजनेस को समझ नहीं सकते, जिसके मैनेजमेंट को आप नहीं जानते, जिस ग्रुप की वो कंपनी है उसे आप नहीं जानते, तो वैसे ग्रुप में आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल ये सारी कंपनियाँ, ये सब जो है कंपनियाँ डेब्ट फ्री कंपनियाँ हैं। कुछ कंपनियां बताएंगे जिसके ऊपर डेप्ट भी है, लेकिन वो फंडामेंटल इतनी स्ट्रांग है कि वो डेप्ट इजिली वो पे कर सकती है। और तीसरी कंपनी हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट, इसका रिजल्ट काफ़ी प्रभावित हुआ है, 88% रिजल्ट में गिरावट हुई है, तो जिसके कारण आपको इस के प्राइस में काफ़ी करेक्शन देखने मिला। अगर आप देखेंगे 5 डेज में तो काफ़ी ये करेक्ट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 1971 रुपया तक आ चुका है। समझ सकते हैं जो ऑफर फॉर सेल था उसमें 2150 रुपया पे ये स्टॉक बेचा गया था, और अभी ये स्टॉक आप देखते हैं मात्र 1987 रुपये, 1981 रुपये में आपको मिल रहा था। तो ऐसे में आपको इसमें कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बाय करनी चाहिए, और जैसे जैसे गिरावट होगा तो आप इसमें बाय करते रहेंगे। तो ये भी बेहतरीन कंपनी है, अभी जो पैंडमिक सिचुएशन उसके कारण इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, नहीं तो लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, देखिए कितनी बेहतरीन है। जब से कंपनी लिस्ट हुई 600 रुपया पे, तब से ये एक नया हाई पे हाई बनाया और 2560 रुपये तक गया, तो इतनी बेहतरीन कंपनी है। तो ऐसी कंपनियाँ जब भी गिरावट पर मिले तो ज़रूर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। इस लिस्ट में अगला है हमारा लाल पैथ लेब। दोस्तों, ये भी सब बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक लैब है हमारे इंडिया का, बहुत सारे स्टेट में, मतलब ये लगातार अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, और इसका बिजनेस जो इंडिया के कई स्टेट में फैल चुका है और लगातार ग्रो कर रही है ये कंपनी। ये भी कंपनी देखिए यहाँ लिस्ट हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट बीच में आई थी, उसके बाद इसमें देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन चार्ट है इसका भी, ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। प्रॉपरली मैं इस कंपनी को जानता हूँ, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, कई सारे इंडिया के स्टेट्स में, मतलब एक बहुत बड़ी जो है डायग्नोस्टिक लैब है, साथ साथ हेल्थ केयर टेस्ट इसमें होती है, तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, आगे चलकर कि ये बहुत बड़ा रिटर्न आपको दे सकती है। अगला है हमारा ICICI पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भी बेहतरीन कंपनी है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में HDFC, SBI, ICICI, तो ये तीन कंपनियाँ हैं, तो और भी कई सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन ये तीन कंपनियाँ काफ़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी चार्ट काफ़ी बेहतरीन, ये भी कंपनी 2016 में लिस्ट हुआ, वहाँ से देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन, अभी तक कंपनी कोई भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया, थोड़ा सा यहाँ पर अंडर परफॉर्म रहा है ये कंपनी, लेकिन ये भी कंपनी आगे चल करके काफ़ी बेहतर कर सकती है, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम है इंडियन पॉपुलेशन का, जिसे लाइफ इंश्योरेंस कवर करेगी।
उसके बाद अगला है हमारा HDFC AMC। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मल्टीबैगर स्टॉक्स जो आगे चलकर बन सकता है वो HDFC AMC का, कि ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और सबसे बड़ी AMC कंपनी है। और ये देख सकते हैं ये लिस्ट हुआ था आपको 1700 रुपये के, वहाँ से ये कंपनी 4000 तक जा चुका था, 4000 तक जा चुका था ये कंपनी। तो समझ सकते हैं आपको ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स गिरावट में जब भी मिले, अगर यहाँ 2000 आया था तो 2000 के लेवल पर सोचना भी नहीं चाहिए था आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए था, सोचना भी नहीं चाहिए था इसमें इन्वेस्ट करें जब भी 2000 के लेवल पर आपको मिले। अभी देखते हैं ये 2500 के लेवल मिल रहा था, इसका जो ऑफर फॉर सेल था वो था 2371 रुपये के आसपास। तो समझते हैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स में ही आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। तो 15 स्टॉक का लिस्ट है, इन सारे स्टॉक्स में आपको जो 4-5 स्टॉक्स अच्छे लगे आपको, मतलब खुद रिसर्च करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, इसका बिजनेस का एनालिसिस करना और मैनेजमेंट का, तो सारे एनालिसिस करना है। इसी स्टॉक में से अगर आप 4-5 चुन लेते हैं, उसमें 2-3 भी आपका चल गया तो इतना अच्छा मल्टीबैगर वो रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में कि आप मालामाल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला स्टॉक है हमारा रैलिस इंडिया लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और ये इन्वेस्टर को, अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। देख सकते हैं 12000% का रिटर्न। तो समझ सकते हैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स आपको जब भी मिले तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो ये स्टॉक्स देख सकते अभी करेंट प्राइस है 308 रुपीज़, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो 250 रुपये के लेवल पर आपको ये स्टॉक्स मिल सकता है, लेकिन अगर और भी ज़्यादा ये मोमेंटम दिखा देता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये आपको 200 रुपये के आसपास मिले तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। उसके बाद अगला है एक और जो आगे का हमारा बेहतरीन स्टॉक है वो है IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये फार्मा में भी है केमिकल में भी है। तो समझते हैं कितना बेहतरीन बिजनेस है इसका, दोनों बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है और दोनों इस तरह के स्टॉक्स जो भी आपको लगे जिसके बिजनेस को आप जानते हैं जो केमिकल में भी और फार्मा में भी है, तो वैसे स्टॉक में आप ज़रूर इन्वेस्ट, क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो बिजनेस है हर मौसम में हर परिस्थिति में चलने वाले हैं। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन बिजनेस है केमिकल साथ साथ फार्मा, कभी फार्मा थोड़ा प्रभावित होगा केमिकल चलेगा, केमिकल प्रभावित होगा फार्मा चलेगा, कभी कभी दोनों एक साथ चलेगा। तो ऐसे बेहतरीन बिजनेस वाले स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करें। यहाँ से देखते हैं ये इतना बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से दिया है, यहाँ से काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट, यहाँ से आप देखेंगे तो इसका रिटर्न देखते हैं 300% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को मात्र 4 महीने में। उसके बाद अगला है हमारा एप्पल इंडिया, ये भी एक बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी आप देखिएगा मैक्सिमम टाइम में काफ़ी बेहतरीन चार्ट है। यहाँ पर देखते हैं 900 के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और अभी ये जा चुका है 1765 रुपया पे। जब ये गिरावट आया था तो फिर से ये देख सकते हैं 1000 के नीचे आया था, तो जब भी ये आपको 1000 के आसपास अगर कभी आ जाता है बाई चांस, अगर मार्केट में फिर से कोई करेक्शन आता है, नहीं तो आपको ये 1500 के नीचे जब भी मिले तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कभी निफ्टी आपको 9000 आ जाता है तो उस लेवल पर सारे स्टॉक्स काफ़ी क्रेश होंगे, वैसे मौके को आपको भुलाना नहीं चाहिए, ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए अगर इस तरह का मौका कभी भी मिले आपको। उसके बाद अगला है ग्रेनुलज इंडिया, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और ये भी स्टॉक देखते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 7000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में और देख सकते हैं अभी भी 200% का रिटर्न दिया है मात्र 4 महीने में। तो ये भी एक फार्मा कंपनी है और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो ऐसे स्टॉक्स आप इसके थोड़े फंडामेंटल एनालिसिस कर देंगे, ऐसे हमने उस वीडियो में पूरा कवर किया था। तो अगर आप हमारे चैनल का रेगुलर व्यूअर हैं तो इन सारे स्टॉक्स में से कई सारे स्टॉक्स को मैंने कवर किया था, आप जरूर इससे मतलब अपडेटेड होंगे। अगला है वीआईपी इंडस्ट्री, इसमें आज काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला, आज आप देख सकते हैं 8% अप है ये स्टॉक्स, 8% डायरेक्ट जहां से ओपन हुआ तो वहां से देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद लगातार एक पर एक हाई बनाया। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इसमें राकेश झुंझुनवाल जी ने इन्वेस्ट किया था और आप देख सकते हैं उनके चॉइस को, वो यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे 250 के आसपास और वहाँ से ये स्टॉक्स अभी 300 के आसपास जा चुका है। इसमें वीआईपी इंडस्ट्री में हमने बात किया तो ये जब भी आपको 250 उसके नीचे मिले तभी इन्वेस्ट कीजिएगा, अभी आप इसमें इन्वेस्ट करने की जल्दी मत कीजिएगा क्योंकि अभी इसके इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं उसमें करेक्शन होना बाकी है, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है काफ़ी प्रभावित होंगे क्योंकि अभी तो टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से बंद है, तो कई सारे सेक्टर्स जो कि काफ़ी बंद है तो इसके रिजल्ट काफ़ी प्रभावित होंगे। तो इसलिए वीआईपी इंडस्ट्री में अभी इन्वेस्ट करने की जल्दी मत कीजिएगा।
उसके बाद SRF, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और ये भी इसका भी बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, केमिकल में, फार्मा में, कई सारी चीज़ों में। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और आगे भी ये दे सकता है। तो ये भी स्टॉक जब भी 3000 के नीचे मिलता है तो ज़रूर आप इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, 15 स्टॉक्स, लगभग 10 से ज़्यादा हो चुका होगा। अगला है PI इंडस्ट्री, ये भी बेहतरीन स्टॉक, जिस तरह SRF उसी तरह से PI का भी बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। देख लीजिए चार्ट, सारे चार्ट जो हम लोग आप लोग देखते हैं, कोई स्टॉक ऊपर जाता है फिर काफ़ी नीचे तक ऊपर, लेकिन ये स्टॉक से हमेशा ऊपर जाता है। तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, इसका टेक्निकल चार्ट कितना बेहतरीन है। उसके बाद अगला है हमारा स्टॉक्स डिक्सन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे हमारा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब नारा जो इतना बढ़ेगा, ये स्टॉक्स उतना ही ज़्यादा परफॉर्म करेगा। देख सकते हैं 178% का रिटर्न मात्र एक साल में, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स हैं ये भी स्टॉक्स, क्योंकि जैसे जैसे आत्मनिर्भर भारत का नारा बढ़ेगा तो ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न। ये स्टॉक्स 5000 का था उस समय भी हमने बताया था, अभी देख सकते हैं ये 7380 चला गया और लगातार ये नया पर नया हाई बनाते चला जा रहा है। तो ये स्टॉक्स कभी भी आपको 6000-5000 पे मिल जाए कभी, मतलब मान लीजिए कभी बहुत बड़ा करेक्शन आता है, रिजल्ट में कभी थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ता है, तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा इस स्टॉक। उसके बाद अगला है हमारा अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड, इस पर भी हमने वीडियो बनाया था आपको, ये भी कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है इस कंपनी के पास और आगे चलकर ये बोनस भी आपको देते हैं और रिटर्न तो काफ़ी बेहतरीन दिया है। तो ये सारी कंपनियाँ काफ़ी बेहतरीन कंपनियाँ हैं जो आगे चलकर आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। तो इस स्टॉक में 4000 के नीचे जब भी मिले तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। उसके बाद अगला है हमारा न्यूज, रोजरी बायोटेक IPO कल 23 जुलाई को लिस्ट होने जा रहा है, तो आप इस पर भी नज़र रखिएगा। जो भी लोग अप्लाई किए थे उनके लिए कल निश्चित है कि कल मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा, तो IPO अच्छे प्राइस पर लिस्ट होगा। तो जिन्होंने भी अप्लाई किया था उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अभी मार्केट अच्छे मूड में है, मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है, तो निश्चित है कि उनको एक कल बहुत अच्छा गेन देखने मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।